चैप्टर 10 अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी हाइट एंड डिस्टेंस। आप अपने विद्यालय के खेल मैदान की लंबाई और एवं चौड़ाई पता करना चाहते हैं तो आप इसका मापन कैसे करेंगे? इसका मापन करने के लिए आपको कोई मापन यंत्र जैसे रूलर स्केल मापने वाले फीते की आवश्यकता होगी। क्या हम रूलर की सहायता से मैदान की लंबाई आसानी से पता कर सकते हैं? इसमें क्या कठिनाइयां आएंगी? राजेश ने कहा, रूलर की सहायता से मापने पर हमें रूलर का बार बार उपयोग करना होगा क्योंकि मैदान की लंबाई अधिक है, परंतु बार बार उठाने और रखने में गलती हो सकती है, अतः हम मापने वाली लंबे फीते का प्रयोग करेंगे। जाहिदा बोली, मैदान की लंबाई चौड़ाई पता करने के लिए मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक फीते को ले जाना पड़ेगा। एक छोर पर एक बच्चा फीते के एक सिरे को पकड़कर खड़ा हो जाए और मैदान के दूसरे छोर तक फीते को ले जाकर उसे पढ़ने से दूरी पता चल जाएगी। जमुना ने पूछा, क्या इसी तरह से हमें खजूर के पेड़, वॉलीबॉल के मैदान में लगे नेट के खम्भे की ऊंचाई पता करनी हो तो इनके ऊपरी सिरे से जमीन तक की दूरी मापनी होगी? पर यह थोड़ा मुश्किल है। पेड़ और खम्भे को के शिखर तक हम कैसे पहुँचेंगे? असलम ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ हम गणित की कौन सी तकनीक का प्रयोग करेंगे? क्या हम त्रिकोणमितीय का प्रयोग कर ऊंचाई एवं दूरी पता कर त्रिकोणमिति का प्रयोग कर ऊंचाई एवं दूरी का पता कर सकते हैं? आइए देखें। आप अपने विद्यालय के एक झंडे के खम्भे की ऊंचाई पता करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की भुजाओं एवं कोण के बीच संबंध है। त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के भुजा एवं उसके कोण के बीच के संबंध को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या आप झंडे के खम्भे को एक भुजा लेकर एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? इस त्रिभुज के में खम्भे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें किन मानों का की आवश्यकता होगी? यदि विद्यालय के मैदान में कोई भी बिंदु ए ले है ना, जो खम्भे के पाद बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर है ना, ये जो है 10 मीटर है, जो खम्भे के जो शुरुआत बिंदु है ना, नीचे वाला बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु ए लेते हैं, ठीक है? तो देखिए आकृति दो है ना, यही आकृति दो है। बिंदु ए से झंडे के शीर्ष सी को मिलाने वाली रेखा, बिंदु ए से झंडे के शीर्ष को मिलाने वाली झंडे के शीर्ष सी को मिलाने वाली रेखा बिंदु ए पर जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। बिंदु ए से जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, ये वाली जो रेखा है वो बिंदु ए पर जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो त्रिभुज एबीसी एक प्रकार से हमें प्राप्त होता है। त्रिभुज एबीसी में कोण सीएबी या फिर बीएसी, ये वाला जो कोण है वो इज इक्वल टू है 60 डिग्री के बराबर है ना, और हमें पता है कि एबी की लंबाई है 10 मीटर की दूरी पर हमने एक बिंदु ए लिया है, ठीक है? अतः हमें पता है कि टेन ए इज इक्वल टू होता है, अगर हमें लंबाई निकालनी है और आधार पता है तो लंब बटे आधार है ना, लंब क्या है सी बी या फिर बी सी और आधार है ए बी, तो लंब बटे आधार अगर हम निकाले तो हमें क्या मिलेगा, उसकी लंबाई कितनी है वो पता चल जाएगी। टेन ए इज इक्वल टू इस वाले कोण के लिए टेन ए हो जाएगा बी सी अपॉन
ए बी। उसी प्रकार से कोण सी के लिए टेन सी हो जाएगा, या इस कोण के लिए इसके जस्ट सामने वाला हो गया लंब, और सी बी हो जाएगा आधार, लंब बटे आधार, ए बी अपॉन सी बी, या फिर बी सी। एक सेकेंड, ये टेन सी नहीं है, ये क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री है ना, क्योंकि ए का कोण का मान क्या है, सी ए बी कोण का मान है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री है ना, टेन ए की जगह हमें 60 डिग्री, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी का जो वैल्यू है उसको रख देते हैं टेन, है ना। अब टेन 60 पे वैल्यू हमें पता है कितना होता है, पहले तो तिरिया गुणा कर देते हैं, तो टेन इंटू टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी, बी और सी का मान निकालना है तो इसको गुणा कर देंगे आपस में तो मिल जाएगा, अब टेन 60 डिग्री रूट ओवर 3 होता है ना, तो टेन इंटू रूट ओवर 3 मीटर इज इक्वल टू बी सी, या फिर टेन रूट ओवर 3 मीटर, ये हो जाएगा बी सी का मान। अतः बी सी कितना कितना मीटर है, टेन टेन रूट ओवर 3 मीटर है। इस प्रकार हम, ये रहा ना, इस प्रकार हम झंडे के खंभे की ऊंचाई त्रिकोणमितीय का प्रयोग कर पता लगा सकते हैं। उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण क्या होता है, आइए हम उपरोक्त आकृति 2 पर पुनः विचार करते हैं। यदि आप मैदान में खड़े होकर झंडे को देखें, यदि आप मैदान में खड़े होकर झंडे को देखें, ऊपर की तरफ, ये देखें आंखें, ये ऊपर की तरफ झंडे को देख रही है ना, तो आपकी आंख को बिंदु ए पर लेनी पर आपकी आंख के से झंडे के शीर्ष सी को मिलाने वाली रेखा ए बी दृष्टि रेखा कहलाती है। ये वाली जो रेखा है बिंदु ए पर अगर आपकी आंख को रखा जाए तो, और ऊपर की तरफ आप सी की तरफ देख रहे हो, तो आपकी आंख से झंडे शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा ए बी है वो ए बी दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है, झंडे के खंभे की ऊंचाई, झंडे के जो खंभे की ऊंचाई है हमारी ऊंचाई से अधिक हो तो उसके शीर्ष को देखने के लिए हमें ऊपर की ओर देखना होगा। अगर झंडा हमसे ऊंचा है तो हमें ऊपर की ओर देखना होगा। हमारी आंख से खंभे के शीर्ष को मिलाने वाली दृष्टि रेखा ए सी वह क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा ये ए सी है, वह क्षैतिज रेखा ए बी है। हमारे आंख से खंभे के शीर्ष को मिलाने वाली, हमारी आंख से खंभे के शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा है दृष्टि रेखा, और ए सी वह क्षैतिज रेखा जो हमारी आंख से खंभे के निचले तल वाले रेखाओं को मिला रहे हैं ना, ये वाली रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है, ये वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। देखिए आकृति 3, ये होगी क्षैतिज रेखा, ये होगी दृष्टि रेखा है ना। यहाँ हमने माना है कि आंख ए पर है, अतः उन्नयन कोण ए से क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण है। ठीक है, अब इसी को उन्नयन कोण कहते हैं। यदि खंभा और ऊंचा हो तो सिर को और ऊंचा उठाना पड़ेगा। हाँ, अगर खंभा हमें और ऊंचा मिला है, सी से और ऊपर ऊंचा सी डेस तक मिला मिला हमें खंभा, तो हमारी जो दृष्टि है उसको हमें और ऊंचा उठा करके देखना पड़ेगा है ना। इस स्थिति में क्या उन्नयन कोण पहले से अधिक होगा, यानी साई का मान, फाई का मान थीटा के से बड़ा होगा क्या, देखते हैं।
यानी भाई का मान थीटा से बड़ा होगा कि नहीं, ये देखते हैं। झंडे के खंभे की ऊंचाई और अधिक बढ़ने के कारण आपकी दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच का कोण बढ़ जाता है, क्योंकि हमें और ऊंचा देखना पड़ता है, तो हमारी जो दृष्टि है और ये हो गया फाई ना, ये वाला कोण, बड़ा वाला कोण, ये तो थीटा कोण था, यहाँ से बना था। ये वाला जो कोण, ये वाला नई वाली जो दृष्टि रेखा बनी है, दृष्टि रेखा कहाँ से, हमारी आंखों से लेकर खंभे की सबसे ऊंची वाली सिरे के साथ बनी हुई जो रेखा है उसे ही कहेंगे क्या, दृष्टि रेखा। उसी रेखा को बढ़ जाता है हम वो कोण, क्योंकि बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें और ऊंचा देखना पड़ता है, इस वजह से दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच का कोण बढ़ जाता है, यानी उन्नयन कोण बढ़ जाता है। आकृति 4 में देखने से हमें पता चलेगा, तो उन्नयन कोण बढ़ गया, ठीक है। अब सोचे और चर्चा करें, यदि झंडे की ऊंचाई कम कर दी जाए, यदि झंडे की ऊंचाई कम कर दी जाए तो उन्नयन कोण का मान में क्या परिवर्तन हो आएगा। आइए अब एक दूसरी स्थिति पर विचार करें, जहाँ यदि हम झंडे को बिंदु ए से न लेकर थोड़ा और दूर ए डे से देखते हैं, यहाँ पर खड़े होकर अभी तक देख रहे थे, हम अब झंडे से थोड़ा और दूर चले गए, ए डेस में, ए डेस बिंदु पर चले गए, तो आप पाएंगे कि बिंदु ए डैश से झंडे के खंभे के शीर्ष को देखे जाने पर दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच कोण कम हो जाता है। हम पाएंगे कि ये जो दृष्टि रेखा है और ये जो क्षैतिज रेखा है, उन दोनों के बीच जो कोण है वो कम हो जाता है, यानी उन्नयन कोण का मान कम हो जाता है, जितनी दूरी बढ़ेगी कोण का मान कम होते जाएगा। इस प्रकार हमने पाया कि उन्नयन कोण का मान वस्तु की ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है, परंतु वस्तु की प्रेक्षक देखने वाले के से दूरी बढ़ने पर क्रमशः कम हो जाती है। त्रिकोणमिति का प्रयोग कर पर्वत की ऊंचाई, ग्रहों के बीच की दूरी, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी, महासागर की गहराई का मापन किया जाता है। खगोलविद इसका प्रयोग पृथ्वी से ग्रहों के एवं तारों की दूरियां ज्ञात करने में करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी समस्याओं को हल करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। एक भवन के पाद बिंदु, मतलब क्षैतिज जो बिंदु है, क्षैतिज रेखा का जो बिंदु है, मतलब नीचे वाली जो, ये सबसे नीचे वाले बिंदु को पाद बिंदु कहते हैं, 15 मीटर के की दूरी पर स्थित किसी बिंदु के से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो पाद बिंदु से कितना मीटर, 15 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु, ये जो बिंदु सी है ना, से भवन के शिखर, से भवन के शिखर मतलब बिंदु ए का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये वाला जो कोण है क्षैतिज रेखा से, इस रेखा से, दृष्टि रेखा, दृष्टि, हाँ दृष्टि रेखा से बना कोण क्या है, 45 डिग्री है। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये जो ऊंचाई है ए बी, उसे ज्ञात करना है। अब आकृति में ए बी भवन की ऊंचाई है और भवन ए बी के पाद बिंदु बी से 15 मीटर की दूर स्थित बिंदु सी के से भवन के शिखर ए का उन्नयन कोण कोण ए सी और बी 45 डिग्री है। मान लीजिए कि भवन की ऊंचाई एच मीटर है, मान लीजिए कि भवन की ऊंचाई है एच मीटर, तो त्रिभुज ए बी सी में टेन सी इज इक्वल टू, टेन सी इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब क्या है ए बी और आधार क्या है बी सी, सी का मान हमें पता है टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू, ए बी का मान मान लिए हमने एच और बी सी का मान दिया हुआ है 15, ठीक है, तो ऊंचाई को माना है हमने एच, तो 15 15 गुणित टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू एच।
तो फिर एच इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 15 × 10⁴5 पे वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। हमें पता है कि 10⁴5 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अतः एच इज इक्वल टू 15 मीटर मिलेगा। अतः भवन की ऊंचाई है 15 मीटर, ठीक है। भवन की ऊंचाई भी क्या है, 15 मीटर है। अब देखते हैं आगे, उदाहरण दो। एक सीधी दीवार पर सीढ़ी का इस प्रकार रखी गई है कि वह जमीन से 60 अंश का कोण बनाती है। एक सीढ़ी को जमीन से, सॉरी, एक दीवार से टिका कर ऐसा रखा गया है कि वह जमीन से कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का पाद बिंदु, ये वाला जो बिंदु है, दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है, इस दीवार से 4 मीटर की सीढ़ी का पाद बिंदु, मतलब ये वाला बिंदु, दीवार से 4 मीटर पर है, मतलब ये वाली दूरी जो है वो 4 मीटर की दूरी है, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, इसमें दीवार की लंबाई नहीं, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। माना ए सी सीढ़ी है, ए सी क्या है, सीढ़ी है, जिसकी लंबाई एक्स मीटर है। इसको मान लेते हैं, लंबाई ज्ञात करना है ना, तो मीटर में मान लेते हैं एक्स, उसमें ऊंचाई ज्ञात करना था, हाइट तो एच माने थे, ठीक है। अर्थात ए सी इज इक्वल टू एक्स मीटर है। दिया गया है कि सीढ़ी का पाद बिंदु, ये वाला जो बिंदु है, ए से 4 मीटर की दूरी पर है, से पाद बिंदु ए दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है, दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। अतः त्रिभुज ए बी सी में कोण सी ए बी इज इक्वल टू है 60 डिग्री, और ए बी का मान है 4 मीटर, ठीक है। हमें निकालना है ये ए और सी, ये क्या है, एक तरह इस तरीके से अगर इस कोण के देखें तो कर्ण है, तो कर्ण निकालना है। कर्ण के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमें पता है ना, लंब नहीं पता लेकिन आधार तो पता है ना, तो आधार बटे कर्ण वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो थीटा की जगह में यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस ए डिग्री, कॉस ए इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, मतलब ए बी बटे ए सी, कॉस ए डिग्री का ए का मान क्या है, त्रिभुज, सॉरी, कोण ए का मान है 60 डिग्री, इज इक्वल टू ए बी, ए और बी का मान क्या है, 4/x, ठीक है, x मीटर, और ए बी का मान है 4 मीटर। x इंटू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 4, क्रिया गुणा कर दिए। अब x इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 4/cos 60 डिग्री। अब हमें पता है cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, x इज इक्वल टू 4/1/2, x इज इक्वल टू 2 ऊपर में इंटू हो जाएगा, 4 × 2 इज इक्वल टू 8 मीटर। अतः सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर होगी, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट भी मान रख सकते थे, cos 60 का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 1/2, ए बी का मान है 4 और ए सी का मान हम माने हैं x, त्रिया गुणा करने पे x इज इक्वल टू 4 × 8 ये मिल जाता है ना। अतः सीढ़ी का की लंबाई मिल जाती 8 मीटर होगी। इसी प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपातों पे किसी भी खड़ी हुई या फिर क्षैतिज रेखा का हम मान निकाल सकते हैं, किसी भी दैनिक जीवन में यूज होने वाले चीजों का, कि लंबाई ऊंचाई हम दूरी या फिर ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के तौर पे। जैसे ये पेड़ है ना, पेड़ से टूटी हुई जो पेड़ है, उससे जमीन की दूरी या फिर उस पेड़ की टूटा हुआ हिस्सा का दूरी है ना, ये सब हम निकाल सकते हैं। उदाहरण 3,
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।